देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज में खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। इस साल 121 चीनी मिलों का संचालन किया जाना है। इनमें से 71 चीनी मिलें संचालित हो चुकी हैं और बाकी बची चीनी मिलें 25 नवंबर 2018 तक संचालित कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, दो नई चीनी मिलें पिपराइच व मुडेरवा फरवरी 2019 में गन्ना पेराई कार्य शुरू करेंगी। नाहरगढ़ के महादेव मंदिर परिसर में हाल ही में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बता दें कि 18 और 19 दिसंबर को किसानों का अभ्यास वर्ग आयोजित किया जाएगा। 1 से 15 जनवरी तक किसान जागरण महाअभियान चलाया जाएगा। गांवों में भी किसानों की जागृति के लिए ग्राम समितियां बनाई जाएंगी। बीते बुधवार को 2800 रुपए तक बिक चुकी धान के दाम, गुरुवार के बाद अचानक 800 रुपए कम होने से किसान नाराज हो गए। नाराजगी जताते हुए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी परिसर से बाहर ले गए और नेशनल हाईवे मार्ग 146 पर 20 सड़क पर लगा दिए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाकर सड़क से हटाया। गुजरात में समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि पहले दिन राज्य के 2820 किसानों ने 39,000 क्विंटल से ज्यादा की मूंगफली समर्थन के भाव बेची। इसे राज्य सरकार ने 19 करोड़ से ज्यादा की मूंगफली खरीदी है। राज्य भर में 122 केंद्र आरंभ किए गए हैं। थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम कुलुआ खास बरुआ खीरक में पुलिस ने कार्रवाई कर एक किसान के खेत से 80 गांजे के पेड़ जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर ग्राम कुलुआ खास बरुआ खीरक के आगे एक किसान आलम कुशवाहा के खेत से 80 गांजे के पेड़ जब्त किए हैं। वहीं खेत का मालिक खेत छोड़कर भाग गया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। किसान बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।